भाई आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ मोनोसिम्टोमेटिक हाइपोकॉन्ड्रियाकल साइकोसिस के बारे में। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। एक 25 साल का लड़का मेरे पास में आया और वो इसलिए आया कि उसको तंबाकू और गुटखा और सुपारी खाने की बहुत आदत, बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ी मात्रा में खाता था। फिर जब इंक्वायरी किया तो मालूम पड़ा कि उसको ये मोनोसिम्टोमेटिक हाइपोकॉन्ड्रियाकल साइकोसिस है या डिल्यूजन है। वो ऐसा है कि मेरे मुंह का बहुत गंदा बास आ रहा है और वो इसलिए लोगों को टालता था, लोगों के पास में जाएंगा नहीं, और फिर घर के लोगों को भी वो टालना, अकेले अकेले रहना, और उसके लिए फिर वो लौंग खाएंगा, इलायची खाएंगा बहुत बहुत मात्रा में, या फिर तंबाकू खाएंगा या मुखवास खाएंगा और पूरा भरा रहेगा मुँह उसका। दूसरा एक लड़का आया था, 6 फुट करीब करीब कद है उसका, और वो बोलता है कि मेरे कद के हिसाब से मेरे जो शोल्डर है, कंधे, वो थोड़े से छोटे हैं। वो पक्का विश्वास है उसको, बोलता वो तो ज़रा बड़े होने चाहिए, ऐसा ज़रा वी शेपेड होना चाहिए, ऐसे तो वो नहीं है मेरा। और उसके लिए उसने काफ़ी लोगों को बताया, काफ़ी एक्सरसाइज किया, जिम ज्वाइन किया, जो भी करना मर्जी बहुत सारा किया, मगर वो उसको पक्का विश्वास है कि मेरे कंधे छोटे हैं। तो ये लोगों में और कुछ लोगों का ऐसा होता है कि अपने बॉडी में इन्फेस्टेशन है, मतलब कोई कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं बॉडी के ऊपर, चमड़ी के नीचे या चमड़ी के ऊपर, या फिर उनको ये लगता है कि मेरे बॉडी का शेप जो है वो बराबर नहीं है, नाक जो है वो बराबर नहीं है, या आंखें बराबर नहीं है, चेहरा बराबर नहीं है, या गला ही बराबर नहीं है, ऐसा कुछ तो भी बॉडी के, मतलब ऐसा बॉडी के जो शेप है या उसके जो अवयव है उसके बारे में उसको लगता है कि कुछ तो भी गड़बड़ है। और तीसरा जो है वो ऑल्फैक्ट्री, मतलब बास आना। अब ये जो लोग हैं, ये उनका इनके साथ इनको जो प्रॉब्लम है उसके साथ में उनको एंग्जाइटी होती है, मतलब चिंता, कुछ लोगों को डिप्रेशन होता है, कुछ लोगों की नींद खराब हो जाती है इसके वजह से, काम नहीं कर सकते, लोगों को टालते रहते हैं, उनको वो बहुत प्रीऑक्यूपाइड रहते हैं अपने दिमाग से। और हाइपोकॉन्ड्रियासिस जो है, हाइपोकॉन्ड्रियासिस करके जो दूसरी बीमारी है, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर, उसमें कैसा है कि उसमें लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे बॉडी में कुछ तो भी प्रॉब्लम है, मगर वो पूरा कन्विंस नहीं है। उसको पटाया तो बोलते ठीक है बोलता, मगर उसको तकलीफ होती रहती है, मगर बोलता कि नहीं नहीं भी होंगी होंगी भी। यहाँ क्या है, ये डिल्यूजनल लेवल पे है, इसका मतलब उनको पक्का विचार है कि ये तो ऐसा ही है, ऐसे ही है, ऐसा उनको लगता है, और वो मानने को तैयार रहते नहीं, और बॉडीली प्रॉब्लम है, और वो पक्का उनको विश्वास, उनको बिलीफ है, और वो हिलने को तैयार नहीं वो बिलीफ से। इसका इलाज करना जरूरी है। ये अर्ली स्टेज में पकड़ में आया, उनका इलाज किया तो बहुत फ़ायदा हो सकता है और आदमी उसका जीवन नॉर्मली जी सकता है। मगर ये यदि इलाज पकड़ में नहीं आया, मतलब इलाज नहीं किया, बीमारी पकड़ में नहीं आई, तो वो बढ़ते बढ़ते वो पूरा स्किजोफ्रेनिया में कन्वर्ट हो सकता है, पूरा पागलपन आ सकता है। तो इसके लिए जैसा भी आपके संपर्क में ऐसे कोई लोग होंगे तो उनको जरूर ये वीडियो शेयर करो और उनको बताओ कि भाई ये बीमारी है, अपने साइकियाट्रिस्ट के पास में जाके इसका इलाज करो। आपको यदि कुछ जानकारी चाहिए तो हमारे नंबर नीचे दिए हुए, आप हमको ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि भाई इसका इलाज कैसा करना, तो हम उसके लिए आपको जानकारी देंगे। और मैं कभी कभी लोगों को, मतलब लोग हमको बुलाते हैं भाषण देने के लिए। हमारा जो मकसद है वो मेंटल हेल्थ फॉर एवरीवन, सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य, व्यसन मुक्त भारत। तो आप रोटरी क्लब में, लॉयंस क्लब में, या आपके समाज में, या कोई बड़े फंक्शन में लोग हमको बुलाते हैं, लोगों को हम एजुकेट करते हैं, और वहाँ से लोगों का जीवन फिर अच्छा हो सकता है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।